25 अप्रैल को होता है संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह अरिजीत सिंह का बर्थडे। अरिजीत सिंह 37 साल के हो गए हैं और उनके तमाम फैंस उनको सोशल मीडिया पर बधाई दे रहे हैं। अरिजीत सिंह की आवाज़ वो है कि अगर कोई मोहब्बत में पड़ा हुआ शख्स हो, चाहे वो शख्स जिसका दिल टूटा हो, उसको सिर्फ और सिर्फ अरिजीत की आवाज़ का ही सहारा होता है। आज के दौर के वो सबसे बड़े सिंगर हैं, सबसे महंगे सिंगर हैं। अरिजीत सिंह को लोग मोहब्बत का मसीहा तक कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरिजीत सिंह का भी दिल टूटा है। उनको भी कभी प्यार हुआ था, उन्होंने शादी तक रचाई थी, लेकिन उनका तलाक हो गया। पहली पत्नी उनकी सिंगर थी। आपको बता दें, फेम गुरुकुल के सेट पर वो सिंगर रूपरेखा बनर्जी के प्यार में पड़ गए थे। आनन फानन में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन शादी के कुछ साल बाद उन दोनों को ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं, हमारे बीच पटरी नहीं खा रही। और इसी बीच साल 2013 में अरिजीत सिंह ने अपनी पहली पत्नी रूपरेखा बनर्जी से तलाक ले लिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब कहाँ है अरिजीत सिंह की पहली पत्नी रूपरेखा बनर्जी। कहते हैं, प्यार में टूटे दिलों के लिए अरिजीत की आवाज़ किसी मरहम से कम नहीं। मोहब्बत में कोई ज़ख्म मिला हो तो अरिजीत की आवाज़ से ही मरहम पट्टी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरिजीत सिंह को भी प्यार में मिला है धोखा, उनका भी टूटा है दिल। जी हाँ, सिंगर की पहली शादी टूट चुकी है। साल 2013 में हुआ था अरिजीत सिंह का तलाक और साल 2014 में उन्होंने कर ली थी दूसरी शादी। कभी खुद से 3 साल बड़ी सिंगर रूपरेखा बनर्जी के प्यार में पड़ गए थे अरिजीत सिंह। सिंगिंग रियलिटी शो गुरुकुल के सेट पर वो कोलकाता के सिंगर रूपरेखा से प्यार करने लगे थे। साल 2005 में ये शो शुरू हुआ था और सिंगर अरिजीत सिंह इस शो में आए थे और इस सीजन से उन्हें काफ़ी पहचान मिली थी और जिंदगी का पहला प्यार भी। फेम गुरुकुल शो के विनर रूपरेखा बनर्जी से अरिजीत सिंह को प्यार हो गया था और दोनों ने आनन फानन में शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूपरेखा बनर्जी अरिजीत सिंह से 3 साल बड़ी थी। शुरू में कुछ साल तो दोनों की शादी ठीक ठाक चली, लेकिन बाद में रिश्ता लंबा नहीं चल सका और साल 2013 में अरिजीत और रूपरेखा का तलाक हो गया। हालांकि तलाक के कारणों का कभी भी खुलासा नहीं हुआ। रूपरेखा बनर्जी से तलाक के बाद अरिजीत सिंह का करियर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। फिल्म आशिकी 2 के गानों से अरिजीत सिंह बहुत बड़े स्टार बन गए। साल 2013-14 आते आते बॉलीवुड के सबसे नामचीन सिंगर्स में उनकी गिनती होने लगी। आज हालत यह है कि बॉलीवुड में सिंगर कोई भी हो, गाने सिर्फ अरिजीत के होते हैं। अरिजीत सिंह आज बॉलीवुड के सबसे महंगे सिंगर हैं। कहते हैं कि वो एक गाने के लिए 1.5 करोड़ से ज़्यादा चार्ज करते हैं। उनका स्टेज शो भी काफ़ी महंगा होता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें उनकी पहली बीवी रूपरेखा बनर्जी की, तो वो फिलहाल बस एक यूट्यूब सिंगर बनकर रह गई हैं। यही नहीं, वो रीजनल फिल्मों में कुछ गाने गाती हैं। आपको ये बता दें कि साल 2014 में अरिजीत सिंह ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल से शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी कोयल भी पहले से शादीशुदा थी और पहले पति से उनकी एक बेटी है, लेकिन अरिजीत ने शादी के बाद उनकी बेटी को भी अपना लिया। साल 2014 में अरिजीत ने बहुत ही गुपचुप तरीके से कोयल रॉय से दूसरी शादी कर ली। अब वो 3 बच्चों के पिता हैं। अरिजीत सिंह बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। दूसरी तरफ बात करें उनकी पत्नी रूपरेखा बनर्जी की, तो फेम गुरुकुल की वो विनर थी। उस दौर में उनको लेकर ये माना जा रहा था कि वो बहुत ही नामचीन सिंगर बनेंगी, उनको फिल्मों में चांस मिलेगा। साल 2007 में उन्होंने हिंदी फिल्मों में गाने भी गाए थे। गुजराती और बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी उनको गाने का मौका मिला था, लेकिन धीरे धीरे वो सिंगिंग की दुनिया से गायब होने लगी। रूपरेखा बनर्जी आजकल स्टेज शो करती हैं, साथ ही बंगाली, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में वो गाने भी रिकॉर्ड करती हैं। रूपरेखा बनर्जी ने नलिलक्ष भट्टाचार्य से शादी की है और वो एक बेटी की माँ भी हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर वो अपनी बेटी के साथ तस्वीरें शेयर करती हैं, लेकिन उनके पति कहीं नज़र नहीं आते। दो सिंगर्स जो एक साथ सफ़र पर निकले थे, दोनों ने एक ही रियलिटी शो से अपने करियर की शुरुआत की थी और शो के विनर रूपरेखा बनर्जी जो हैं अरिजीत सिंह के मुकाबले काफ़ी पीछे रह गई। वहीं देखा जाए तो अरिजीत सिंह उनके जो एक्स हस्बैंड हैं आज संगीत की दुनिया के सबसे बड़े सिंगर हैं। उन ये तक कहा जाता है कि बॉलीवुड के वो बेस्ट सिंगर हैं। आज के जो युवा पीढ़ी है वो अरिजीत सिंह की आवाज़ की मुरीद है। दूसरी तरफ उनकी एक्स पत्नी रूपरेखा बनर्जी इतनी टैलेंटेड होते हुए भी न जाने कहाँ खो गई।